हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां हम लेंगे कमोडिटीज की इवनिंग अपडेट्स। आगे की चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हमने सुबह क्या रणनीतियां बनाई थी और उसमें क्या हुआ, एक उसका ओवरव्यू कर लें, फिर अब क्या करना है इवनिंग के लिए उसकी बात करते हैं। क्रूड आप लोगों को बाय करने कहा था 80 के आसपास, 64 का स्टॉप लॉस लगाने बोला था, वो स्टॉप लॉस हो गया है, यानी 16 पॉइंट के आसपास का आप लोगों को नुकसान होगा। कल से मैं ऑलमोस्ट 2 स्टॉप लॉस करवा चुका हूँ, बट स्टॉप लॉस छोटे छोटे होते हैं तो उसमें पैनिक करने की कोई बात नहीं है। क्रूड को मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में 3660 के आसपास सेल करवाया हुआ है। आप लोगों को टारगेट अपडेट कर देता हूँ, सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल, और अभी क्या रणनीति आप लोग क्रूड में बना सकते हो। क्रूड के सपोर्ट लेवल आ रहे हैं आज इवनिंग के लिए, अभी के लिए 3588, 3555 और 3525। रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहे हैं 3636, 3650 और 3670। अब अगर आप लोगों को ये 3630 और 40 के बीच में मिले, भगवान करे आप लोगों को मिल जाए, ताकि जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप वालों ने किया हुआ, उन्होंने काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आए कि 3600 के आसपास काफ़ी लोगों ने मुनाफा भी ले लिया है। लेकिन उनके लिए भी जिन्होंने मुनाफा ले लिया है और YouTube मुझे जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी, 3630 और 3640 के बीच में मिले तो बाय करिए, सॉरी सेल करिए। 3671 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो मैंने सपोर्ट लेवल बताए हैं, 3588, 3555, 3525। अभी चल रहा है 3615। ये हुई क्रूड की रणनीति। जिसका कैपिटल कम है, जो रिस्क अवॉइड करना चाहते हैं, कृपया वो काम ना करें रिस्क, क्योंकि दो बार मेरा एक्चुअली 4:40 के आसपास मैंने व्हाट्सएप में वो कॉल अपडेट किया था, 2 स्टॉप लॉस हो गए, तो मुझे ये अजीब अजीब सा लग रहा है कि यार 2 स्टॉप लॉस हो गए। मैं आप लोगों को कल से कहता आ रहा हूँ, सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है, शॉर्ट कवरिंग 20-30 रुपये ज़्यादा किया जाए या फिर वहीं से बाजार घूम जाए, मेरा 3705 तक का एक्सपेक्टेशन था, लेकिन आज ओपन मार्केट में 3719 तक चला गया वो, तो मुझे ऐसा लग रहा था 3725 तक जाके वापस ये अपने ट्रेंड में आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो ये हुई क्रूड ऑयल की चर्चा, अभी 3615 चल रहा है। अब बात करता हूँ नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में हमारे पास रिकमेंडेशन शीट, परफॉर्मेंस शीट में कोई भी होल्डिंग नहीं है। मैं आप लोगों को कल से कहता आ रहा हूँ 135 तक मिले तो सेल करो, 135 तक मिले तो सेल करो, लेकिन मिला नहीं बाजार। आज सुबह आप लोगों को क्या बोला था मैंने, 136.50, 138.50 के बीच में सेल करने कहा था, लेकिन 135.70 का ही हाई पोस्ट करके वापस नीचे आ गया है बाजार। नेचुरल गैस भी डाउन ट्रेंड में है, देखना है कि वो अब इन्वेंट्री डेटा है 9 बजे, तो मैं नहीं चाहता आप लोगों के कोई स्टॉप लॉस हो। आप लोग अगर चाहो तो 132 और 134 तक इसको सेल इनिशिएट कर सकते हो, 132 से 134 के बीच में, 135.10 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो और टारगेट 127.50 के। इसके सपोर्ट लेवल बता देता हूं मैं आपको, 132.50 और 134.50 का रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, सपोर्ट लेवल आ रहा है 127.50 का। इन्वेंट्री डेटा है, चाहो तो इसको अवॉइड करो और मैं इसको कॉल परफॉर्मेंस शीट में ले लूंगा, 132.50 के बीच में सेल करिए, छोटा सा हायर रेंज में सेल करने की कोशिश करिए, जहां से स्टॉप लॉस छोटा हो 135.10 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, टारगेट नीचे 127.50 तक के हो सकते हैं। अब आगे आता हूं गोल्ड में मैंने सुबह आप लोगों को क्या कहा था, गोल्ड आप लोगों को सुबह मैंने कहा था 300 रुपए से, 40,325 रुपए से 550 रुपए तक सेल करो, 315 रुपए से 550 तक सेल करो। गोल्ड का जो हाई पोस्ट हुआ है वो 397 का पोस्ट हुआ है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने एक एक मिनी, जैसे अगर अपन एक लॉट बड़ा बेचना चाहते हैं 315 रुपए से 390 रुपए तक, यानी 320 से भी बेचना चालू किया होगा, तो 5-6 मिनी तो आपके बिक ही गए होंगे। और अभी चल रहा है 40,240। अब मैं इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों अपडेट कर देता हूँ आप लोगों को।
गोल्ड का जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है सीधे 39,840। दूसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है 39,770। तीसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है 39,620। रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो मैंने मॉर्निंग का बोल दिया आप लोगों को, 39,850 का सपोर्ट और 39,786 का दूसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है। रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं 40,390, 40,490 और 40,565। जो कोई भी शॉर्ट अगर होल्ड कर रहा है तो वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करे 565 के ऊपर का। मैं इसको अपनी रिकमेंडेशन शीट में मॉर्निंग कॉल अपडेट कर रहा हूँ, कोई फ्रेश एंट्री नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं चाहूंगा, जैसे आप अगर मेरा वीडियोस देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से, तो मैंने आप लोगों को गोल्ड और सिल्वर में स्पेसिफाइड करके कहा था कि ये बाजार 300 रुपये नीचे जाएगा तुरंत ऊपर आ जाएगा, अगर अनफॉर्चुनेटली वो ऊपर जाता है तो वो तुरंत नीचे आ जाएगा, यानी कि 1 दिन 2 दिन से ज्यादा वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। चांदी के लिए भी मैंने आप लोगों को यही कहा हुआ है, यानी ये सताएगा यहाँ 1 दिन से 10 दिन तक। अब बात करता हूँ सिल्वर की। सिल्वर आप लोगों को सुबह मैंने क्या बोला था, 46,075 से 46,260 तक सेल करना है, 250 तक। इसका हाई पोस्ट हुआ है 328 का और अभी चल रही है 46,155। इसके जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं इवनिंग के लिए 46,350, 46,450। जो कोई भी शॉर्ट कैरी कर रहा है वो 450 के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। नीचे साइड में इसको सपोर्ट बन के आ रहे हैं 40,000, 45,850, 45,620। ये हो गए सिल्वर की बातचीत। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अभी चल रहा है गोल्ड 250। आप लोगों को जहां 100 रुपए की नोट मिलती है वहां पर मुनाफा बुक करते चलो गोल्ड में। गोल्ड अगर आपने ऊपर के लेवल में बेचा है तो करंट मार्केट प्राइस में भी आप लोगों को 100 रुपए की नोट मिल रही होगी। कोशिश करिए 200-220 लेवल में, यानी पार्शियल प्रॉफिट बुक करते चलिए। और मिनी एक आध दो लॉट मिनी आप अगर 10 लॉट 5 लॉट मिनी एक्यूमुलेट करें तो एक मिनी छोड़ दीजिए फाइनल सपोर्ट टारगेट लिए जो मैंने आपको बोले हैं। सिल्वर के लिए भी इसी तरह की रणनीति होनी चाहिए आने वाले 2-4 दिनों तक। मुझे लगता नहीं कि कोई बड़ी भारी मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। कल की एक बात अलग, परसों की, कल की एक बात अलग है। कल है फ्राइडे, फ्राइडे को थोड़ा सा घमासान होता रहता है। तो कल मैं आप लोगों को मॉर्निंग में वीडियो अपलोड कर ही दूंगा, आप लोगों को बता ही दूंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस और किस तरह से मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। अब बात करते हैं कॉपर की। कॉपर अभी चल रही है 435.30। कॉपर के रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं इमीडिएट रेजिस्टेंस से पास में 435.60 का और 438.40 का। सुबह मैंने आप लोगों को 4250 के आसपास सेल करने कहा था लेकिन वो लेवल नहीं आया। नीचे लेवल में सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 431.50, अभी चल रही है 435.25। इसका लो है 433.40 का और हाई है 439.45 का। आप लोग चाहें तो 431.50 के लिए आप इसमें शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं 438.40 के ऊपर के स्टॉप लॉस से, लेकिन मैं इसको अपनी परफॉर्मेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करूंगा। तो ये थी हमारी इवनिंग की कमोडिटी अपडेट्स। आशा करता हूं आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और भी अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिएगा। नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करके आप चाहें तो अपना क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं डायरेक्ट मेरे साथ व्हाट्सएप में, जहां हम डिस्कस करते हैं लाइव मार्केट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।